आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरसवाल लैंडफिल साइट पर लागू किया जाएगा 9-पॉइंट एक्शन प्लान। दिल्ली के भरसवाल लैंडफिल साइट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय लगातार भरसवाल लैंडफिल साइट पर मीथेन गैस की वजह से लगने वाली आग पर कैसे लगाई जाए रोक, इस पर की जा रही है प्लानिंग। लैंडफिल साइट पर बिछाई जाएगी पानी की पाइपलाइन और मीथेन गैस को निकलने से रोकने के लिए भी उठाए जाएंगे उचित कदम। पिछले महीने भी मीथेन गैस के निकलने की वजह से लैंडफिल साइट पर लगी थी भीषण आग, जिसके बाद जायजा लेने के लिए अब दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ब्रिजपाल लैंडफिल साइट पर पहुंचे। राजधानी दिल्ली में 2 लैंडफिल साइट है जिसमें समय समय पर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें खासतौर पर भरसवाल लैंडफिल साइट पर पिछले महीने ही आग लगने की एक बड़ी घटना हुई, जिसमें करीब 10 दिन तक आग भरसवाल लैंडफिल साइट पर लगी रही, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार द्वारा MCD के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की तैयारी की गई थी और एक टीम का गठन किया गया था, जो टीम मुंबई जाकर रिसर्च कर रही थी। अब DPCC, MCD और दिल्ली सरकार की एक टीम वापस आई तो आज अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय लैंडफिल साइट पर उस जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर अब बहुत ही जल्द 9-पॉइंट एक्शन प्लांट के तहत काम शुरू किया जाएगा। दरअसल रिसर्च में यह साफ हुआ कि लगातार भरसवाल लैंडफिल साइट पर मीथेन गैस की वजह से आग लग रही है। अब इस मीथेन गैस को बनने से रोकने के लिए लैंडफिल साइट पर फैब्रिकेटेड पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, साथ ही साथ बाउंड्री वॉल भी किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति वाहन बिना अनुमति के लैंडफिल साइट के ऊपर ना जा सके। पीकेट टीम बनाई जाएगी जो पूरी तरीके से देखरेख करे, साथ ही भारी ट्रकों के जाने पर भी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि ट्रकों के टायरों से निकलने वाली चिंगारी भी आग लगने का एक कारण है, इस पर भी रोक लगाई जाएगी। लगातार हो रहे आग लगने के हादसों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा MCD के साथ एक बैठक की गई, जिसके बाद कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसको जमीनी तौर पर लागू करने के लिए तैयारियां कैसे की जाएगी इसका जायजा लेने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भरसवाल लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां संबंधित विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि दिल्ली के अंदर जो लैंडफिल साइट है, पहले गाजीपुर में आग लगी, फिर भरसवा में काफ़ी बड़े पैमाने पर आग लगी, जिसकी वजह जब हमने DPCC की जांच टीम भेजी थी, उसमें ये पता चला कि मीथेन जो गैस है उसकी वजह से आग लग रही है। तो उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए जो है हमने DPCC और MCD के अधिकारियों की एक अध्ययन टीम, स्टडी टीम मुंबई भेजा था, जहां पर एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसका कुछ उन्होंने सलूशन निकाला है, क्योंकि वहां भी पहले आग लगती थी। वो जो जांच दल मुंबई गया था वो आकर के अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उसको कैसे यहां पर हम लोग लागू कर सकते हैं, उसके लिए आज हमने यहां विजिट करके और MCD के अधिकारियों के साथ, DPCC के अधिकारियों के साथ 9-पॉइंट एक्शन प्लान हमने डिसाइड किया है, जिसमें मुख्य तौर पर जो फैब्रिकेटेड पाइप लगाना लैंडफिल साइड में, जिससे कि मीथेन गैस जो है वो अंदर जो है स्टोर ना हो, दूसरा यहाँ पे बाउंड्री वॉल खड़ा करना, जिससे कि अनऑथराइज जो है वो यहाँ पे एंट्री है उसको बैन किया जा सके, पिकेटिंग के लिए सर्वेलेंस टीम बनाने का, यहाँ पर जो है जो ट्रक्स जाते हैं, जो ऊपर जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें जो स्पार्क होता है उसको कंट्रोलर लगाने के लिए, इस तरह से 9-पॉइंट एक्शन प्लान यहाँ बनाया गया है, जिससे कि उसको भविष्य में यहाँ पे आग ना लगे और लोगों को जो यहाँ दिक्कतें होती हैं सांस जो घुटता है उसको रोका जा सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।